वड़ी खबर का जिक्र कर रहे लोकसभा चुनाव विचाले अमित शाह मिले ने फतेह जंग बाजवा दिल्ली च अमित शाह मिले ने बाजवा दस गुरदासपुर तो टिकट मिलने दया चर्चावां ने इस विचाले पंजाब भाजपा के मीत प्रधान ने फतेह जंग बाजवा ते वड़ी मीटिंग हुई है लोकसभा चोणां विचाले अमित शाह नूं मिले ने फतेह जंग बाजवा प्रताप सिंह बाजवा दे छोटे भरा ने दिल्ली च अमित शाह नूं मिले ने इस विचाले गुरदासपुर तो टिकट मिलन दीआं चर्चावां ने कि गुरदासपुर च चोण मैदान च उतार सकती है फतेह जंग बाजवा नूं जे असीं गल करिए ते जो बीजेपी दा गढ़ रहा है गुरदासपुर तमाम जो बीजेपी दे वल्लों कैंडीडेट्स उत्थों उतारे जांदे ने उन्हां दे वल्लों जित हासिल कीती जांदी ने ते एक्सक्लूसिव तस्वीरां तुसीं न्यूज़ 18 पंजाब ते देख पा रहे हो देश दे गृह मंत्री अमित शाह तस्वीरां च वेखे जा सकदे ने इस विचाले बीजेपी आगू फतेह जंग बाजवा भी वेखे जा सकदे ने सीएल लीडर प्रताप सिंह बाजवा दे छोटे भरा ने ते गुरदासपुर तो टिकट मिलन दीआं चर्चावां ने इस विचाले पंजाब भाजपा दे मीत प्रधान जी ने फतेह जंग बाजवा बिना मेरे सहयोगी अमन भारद्वाज फोन लाइन ते मौजूद ने अमन एक अहम मुलाकात हुई है दिल्ली च अमित शाह दे विचाले ते फतेह जंग बाजवा दे विचाले ते क्यास लगाए जा रहे ने कि मन्या जावे कि गुरदासपुर तो कैंडीडेट ऐलाने जा सकते ने फतेह जंग बाजवा देखो चर्चावां ने सरबजोत क्योंकि पिछले दिनों च एमएलए क्योंकि रहे ने फतेह जंग बाजवा और बीजेपी ज्वाइन जो तो की है तो पार्टी ने एक स्पेस दिता है और जिन्हें दिल्ली की चाहे लीडरशिप है तो वह भी एक रिकगनाइज जरूर करती है और खास करके क्योंकि कादियां तो आते हैं फतेह जंग बाजवा और पार्टी ने क्योंकि मीत प्रधान बनाया होया है तो गुरदासपुर लेकर पहला भी अपनी दावेदारी टोक चुके हैं कि जेकर पार्टी उन्होंने सहमत होंगी है या जिम्मेदारी दी है तो जरूर उतो चोन लड़नगे और इस तो पहला 2022 की विधानसभा चोणों से भी मैदान च उतरे से तो एक ये भी पार्टी देखती है कि जो विधानसभा चोणों से बीजेपी ने उतारे से उदों भी बाजवा वर्सिज बाजवा होया नहीं और हिंदू और सिख वोट बैंक भी जोड़ा है उसनों भी पार्टी ने एनालाइज किया कि वह भी फतेह जंग बाजवा के नाल तुरंत तैयार से पर हुण लोकसभा चोणां है तो उसके मद्देनजर गुरदासपुर तो क्योंकि सनी देओल ने खुद भी इनकार किया और पार्टी भी गैर मौजूदगी तो सनी देओल की तो काफ़ी खफा है तो इस करके नवे चेहरे की तलाश जरूर है तो अजिहे च उस हल्के दे या आस पास के कोई जोड़े भी कद्दावर लीडर ने उन्होंने नाँ से चर्चा जरूर है और पार्टी ने जोड़े एक मंथन किया इलेक्शन कमेटी जी बनाई हुई है लोकसभा की उसके अंदर 300 के करीब नाम गए तो गुरदासपुर लैके फतेह जंग बाजवा उन्होंने नाम भी सब तो टॉप से और चर्चा उन्होंने ना की गई हालांकि अमित शाह उन्होंने मुलाकात की है तो एक इंडिकेशन जरूर लीडर जोड़े ने अपनी रखते ने देंदे ने कि गुरदासपुर लैके किहड़े मुद्दे ने या किवें वो बेहतर समझते हैं गुरदासपुर एक इंडिकेशन सीनियर लीडर्स जरूर दी जाती है तो उस तरीके की ही इंडिकेशन है जो अमित शाह मिलकर हो सकता है फतेह जंग बाजवा ने दी हो गुरदासपुर लेके जेकर विचार कोई केंद्र की लीडरशिप के अंदर हैगा है तो फतेह जंग बाजवा से नाम से मोहर लाई जा सके क्योंकि अगले एक तो दो दिन के अंदर लोकसभा की चोणों बाबत नाम जोड़े ने पंजाब के वो फाइनल होने ने तो एक गुरदासपुर लैके कह सकते हैं कि फतेह जंग बाजवा की दावेदारी भी है और पार्टी का जो मुलाकात है चल रही है एक नाम चर्चा च भी है पर क्या फाइनल होंगे की लिस्ट ना आता है नहीं बीजेपी जे लोकल लीडर हो फतेह जंग बाजवा एक मनिया जरूर जाता है ग्राउंडेड ने रूप ने और गुरदासपुर हल्के से क्योंकि संबंधित ने तो हो सकता एक पैंट जी उस तरीके की उसे हैगी है तो लोगों को यह विश्वास दिलाया जा सके कि लोकल लीडर ने और उत्थे मौजूद रहेंगे क्योंकि हले भी एक अपने हल्के च एक कनैक्शन जरूर बरकरार रखे हुए हैं तो वह विश्वास जो लोगों का बनया बनता है तो हो सकता है कि बीजेपी तो दोबारा विश्वास बन सके पर जरूर समय दसेगा लेकिन अपनी दावेदारी और अपनी कोशिश जरूर लीडर पार्टी जी है वो हर हल्के कर रही है और यही हाल गुरदासपुर लेके भी जरूर है जी जी बहुत बहुत शुक्रिया अमन सानू तमाम जानकारी देने ते लोकसभा चुनाव के विचाले अमित शाह मिले ने फतेह जंग बाजवा न्यूज 18 ते सब तो पहला तस्वीरां तुसी वेख पा रहे हो देश के गृह मंत्री अमित शाह तस्वीरां च वेखे जा सकते हैं फतेह जंग बाजवा बीजेपी आगू भी वेखे जा सकते हैं सीएलपी लीडर प्रताप सिंह बाजवा के छोटे भरा ने चर्चावां ने कि कैंडीडेट गुरदासपुर तो बीजेपी फतेह जंग बाजवा ऐलान सकती है
अगे वधण ते गल करांगे जलंधर दी। जलंधर च नवे डिप्टी कमिश्नर की तैनाती की गई है। चोन कमिशन दे वल्लों जलंधर च नवा डिप्टी कमिश्नर तैनात किया गया है। हिमांशु अग्रवाल नूं जलंधर दा डीसी नियुक्त किया गया। दस के विशेष सारंगल गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर लगाए गए ने। रोपड़ रेंज अते बॉर्डर रेंज के नवे डीआईजी की भी नियुक्ति की गई है। नीलांबरी जगदले नूं लगाया गया है रोपड़ रेंज की डीआईजी। राकेश कुमार कौशल नूं बॉर्डर रेंज का डीएजी लगाया सीगा। हाल ही असीं वेख्या सीगा कि वड्डे प्रशासनिक फेरबदल किए गए थे। डीआईजी बॉर्डर रेंज नरेंद्र भार्गव का भी तबादला किया गया सीगा। हुण जलंधर च नवे डिप्टी कमिश्नर की तैनाती की गई है। चोन कमिश्न के वलों जलंधर च नवा डिप्टी कमिश्नर तैनात किया गया है। हिमांशु अग्रवाल नूं जलंधर का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इस विचाले विशेष सारंगल गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर लगाए गए ने। रोपड़ रेंज और बॉर्डर रेंज के नवे डीआईजी की भी नियुक्ति की गई है। नीलांबरी जगदले नूं रोपड़ रेंज की डीआईजी बनाया गया है। राकेश कुमार कौशल नूं बॉर्डर रेंज का डीआईजी लगाया। 16 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लग्या सीगा। उस तो बाद इलेक्शन कमीशन लगातार एक्शन च नजर आ रहा है। इस विचाले वड्डे फेरबदल किए गए थे। प्रशासनिक फेरबदल किए गए थे। हाल ही च भी असीं वेख्या सीगा कि 5 जिलों के एसएसपी का भी तबादला किया गया सीगा। एक्शन च निरंतर इलेक्शन कमीशन नजर आ रहा है। हुण जलंधर च नवे डिप्टी कमिश्नर की तैनाती की गई है। मेरा मेरे सहयोगी विनेश कटारिया फोन लाइन से मौजूद ने। विनेश, जलंधर च नवे डिप्टी कमिश्नर की तैनाती की गई है, होर भी वड्डे प्रशासनिक फेरबदल किए जा रहे हैं, निरंतर एक्शन च इलेक्शन कमीशन नजर आ रहा है। देखो सरबजोत, जो कोड ऑफ कंडक्ट लगे हुआ है, एमसीसी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उस तो बाद जो इलेक्शन कमीशन को पूरे अधिकार होंगे किसी भी ऑफिसर को किसी शिकायत के आधार पर या उन्होंने जो भी स्पेसिफिक कहने वाले उस आप से हटा सकते हैं। तो पिछले दिन जो जलंधर के डिप्टी कमिश्नर से विशेष सरंग से उन्होंने जलंधर तो रिमूव किया गया। चोन कमीशन एक शिकायत मिली थी। तो हम जो नवा ऑर्डर आया उनके जो विशेष सरंग है उन्होंने गुरदासपुर अपॉइंट किया गया। तो इसके अलावा जो जलंधर के नवे डिप्टी कमिश्नर प्रशासनिक फेरबदल किए गए। नियुक्तियां भी की गई। जलंधर च नवे डिप्टी कमिश्नर की तैनाती की गई है। इस तो पहला विशेष सारंगल से उन्होंने हटाया गया सीगा। हुण विशेष सारंगल गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर लगाए गए हैं। जलंधर च हिमांशु अग्रवाल नूं डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है।